हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम बाजार जैसी रसीली और क्रिस्पी जलेबी। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खट्टी दही और 1 छोटी चम्मच इनो। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह का बैटर तैयार करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चुटकी के करीब केसरी कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप चीनी। और अब इसी कप से 1 कप पानी डाल देंगे और गैस को ऑन करके इसमें उबाल आने देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। A few moments later. देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस। अब इसे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकने देंगे। A few moments later. देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गया है और चाशनी भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तार का बनने ही वाला है, इसे पूरा नहीं बनाना है। अब गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इधर बैटर भी तैयार हो गया है। जलेबी बनाने के लिए मैं यहाँ पर दूध का पन्नी यूज कर रही हूँ। इसे अच्छे से धो लिया है। अब पन्नी को इस तरह से ग्लास में रखेंगे। और अब बैटर को चम्मच की मदद से इसमें डाल लेंगे। अब इसे ग्लास में से निकाल लेंगे। और इसे इस तरह से पकड़कर इसमें रबर लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल को मीडियम गर्म करना है। अब बैटर वाले पन्नी का कोना हल्का सा काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब कढ़ाई में इस तरह से हाथ घुमाते हुए जलेबी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार में 4 जलेबियां बनाई हैं। अब इसे क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जलेबी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे निकाल कर चाशनी में डाल देंगे और इसे हल्का सा डिप करेंगे। इसे चाशनी में लगभग 30 सेकंड रखेंगे डुबाकर।
अब चाशनी में से जलेबी को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जलेबी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अब बाकी के बैटर को भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे।